नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है बालू गिट्टी का दाम। बिहार के बड़े इलाकों में आज बारिश की संभावना। एसटीईटी अभ्यर्थियों का विधानसभा मार्च। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा। भारत जैसी टीम के सामने आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा होना पड़ेगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के बड़े इलाकों में आज बारिश की संभावना। बिहार में आज मौसम का हाल खुशनुमा नजर आने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बिहार के अन्य भागों में भी मानसून सक्रिय रहने वाला है, जिससे ही बारिश की प्रबल संभावनाएं बन रही है। बिहार के पूर्वी क्षेत्र में बारिश का मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं नेपाल में बारिश के कारण से बाढ़ की संभावना भी बढ़ने लगी है। साथ ही वेदर फोरकास्टिंग में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद ही अब बिहार के कुछ हिस्सों में 28 और 29 जून को भारी बारिश होने के आसार हैं। अनुमान के अनुसार अगले दो दिनों में लगातार बारिश का अनुमान है। बिहार में तेजी से बढ़ रही है बालू गिट्टी की कीमत। बिहार में अब घर बनवाने से पहले आम लोगों को काफी सोचने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बिहार में बालू गिट्टी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार रूस यूक्रेन संकट में आसमान छूने वाले सरिया और सीमेंट की कीमतें कम होने के बाद बालू और गिट्टी की कीमतें चढ़ गई है। इसके कारण भवन निर्माण करने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, दाम बढ़ने के कारण ही मकान बनाने और रियल एस्टेट के कई प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग रहा है। पटना में भी बालू की कीमतें चढ़कर दो गुना से ज्यादा हो गई है। 3200 रुपए टेलर यानी कि 100 CFT बिकने वाले बालू की कीमत 7000 रुपए टेलर तक पहुंच गई है। व्यवसायी कृष्णकांत कुमार कहते हैं कि खनन पर रोक लगने के बाद जून महीने के दूसरे सप्ताह से बालू की कीमतें चढ़ने लगी है। बिहार के शहरी क्षेत्रों में बदलने वाली है व्यवस्था। बिहार में नगर निकाय का चुनाव समय पर नहीं हो पाया है। हालांकि चुनाव का आयोजन तो जून तक ही कर लेना था, लेकिन अब तक चुनाव संपन्न नहीं हो पाए हैं। ऐसे में ही अब 258 नगर निकायों के विकास पर योजनाओं पर मुहर चुनाव संपन्न होने तक प्रशासक परिषद की लगने वाली है। इसी के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग ने अब प्रशासक परिषद के गठन का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। जल्द ही अब इसे कैबिनेट से भी स्वीकृति ली जाएगी। नगर पालिका कानून 2007 में किए गए प्रावधान के तहत ही पहली बार नगर निकायों का कमान प्रशासक परिषद को सौंपने का काम होने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत नवगठित नगर पालिका क्षेत्र में अब उस क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र के रूप में गठित किए जाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में इतने हजार मठ मंदिरों का हुआ निबंधन, लेकिन टैक्स देने में भारी कमी। बिहार की नीतीश सरकार इन दिनों बिहार में मठ मंदिरों की जमीन को लेकर लगातार चर्चाएं कर रही है, जिसके तहत ही बिहार सरकार मठ मंदिरों की जमीन को पहले अतिक्रमण मुक्त करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में मठ मंदिरों के निबंधन का काम भी जोर शोर से हो रहा है। साथ ही राज्य के जितने भी मंदिर और मठ न्यास बोर्ड से निबंधित है, उन सभी को अपनी सालाना आय का 4% सेवा शुल्क के तौर पर टैक्स बोर्ड को देना होता है। इस आधार पर इन सभी की सालाना ऑडिट भी होती है। इस बोर्ड से पूरे राज्य में 5500 से अधिक मंदिर मठ निबंधित है, लेकिन इनमें सिर्फ 300 ही टैक्स देते हैं। बाकियों के ना चढ़ावा का ही कोई हिसाब है और ना ही इन्हें होने वाले आय की ऑडिट ही होती है। 8 साल बाद BSSC ने जारी किए प्रथम इंटरस्तरीय बहाली के रिजल्ट। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जाके BSSC ने आखिरकार प्रथम इंटरस्तरीय बहाली के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ही BSSC द्वारा कुल 11,329 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। रिजल्ट की घोषणा BSSC की वेबसाइट पर की गई है। चयनित अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर प्रकाशित कर दी गई है। काउंसलिंग के लिए आमंत्रित सभी 14,410 अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड को शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। हालांकि इससे पहले छात्रों ने 28 जून से आंदोलन करने का ऐलान किया था। आंदोलन से ठीक एक दिन पहले ही रविवार की देर रात को बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2014 की बहाली प्रथम इंटरस्तरीय का मेधा सूची के साथ फाइनल रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। बिहार के बीमार शिक्षक अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगना पड़ा महंगा। आम लोगों के मसीहा बने सोनू सूद ने अब तक ना जाने कितने ही लोगों की मदद कर दी है। इस याद से हाल ही में बिहार के एक बीमार शिक्षक को अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगना महंगा पड़ गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, साइबर अपराधियों ने शिक्षक के बैंक खाते से सारे रुपए ही उड़ाने का काम किया है। यह मामला नालंदा के द्वारिका नगर मोहल्ले का है। शिक्षक शुभम कुमार पिछले एक साल से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। साल 2021 में कोरोना के कारण फेफड़ा पूरी तरीके से संक्रमित हो गया था, जिसके बाद चेन्नई स्थित MGM हेल्थ केयर ने उनके फेफड़ों के ट्रांसप्लांट के लिए 45 लाख रुपए की मांग की। फिर बीती शाम उनके मोबाइल पर एक फोन आया, जिसने खुद को सोनू सूद का मैनेजर बताया। फिर क्या था, अकाउंट डिटेल लेने के साथ ही उनके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया गया। बिहार में इस समय चलेगा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा। बिहार में शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से आगामी 15 जुलाई से 30 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा चलने वाला है। इसको लेकर
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी साझा कर दी है। साथ ही बताया है कि बिहार में शिशु मृत्यु दर को शून्य स्तर तक लाने के उद्देश्य से पखवाड़े के दौरान 5 साल से कम उम्र के बच्चों वाले घरों में बच्चों के हिसाब से ORS पैकेट को बांटने का काम होने वाला है। इसके साथ ही 5 साल की उम्र तक ऐसे बच्चे जो दस्त रोग से ग्रसित होंगे उन्हें लक्षित कर उनका समुचित उपचार का काम किया जाएगा। STET अभ्यर्थियों का विधानसभा मार्च। आज विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है, जहां एक तरफ विपक्षी दलों का काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। इस दौरान ही पटना में STET मेरिट अभ्यर्थियों ने विधानसभा मार्च निकाला। गर्दनीबाग स्थित प्रदर्शन स्थल से ये अभ्यर्थी विधानसभा घेरने के लिए निकले थे। साल 2019 में STET क्वालिफाई करने वाले 3600 से ज्यादा अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2019 की STET क्वालिफाई करने वाले ये अभ्यर्थी 6 जून से ही गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों की सरकार से वार्ता की अपील की गई है और कहा गया है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र सीडैक ने निकाली रिक्तियां। उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र सीडैक ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट लीड इंजीनियर के कुल मिलाकर 100 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 60% अंकों के साथ प्रासंगिक विषय में BE या BTEC या ME या MTEC या MCA या फिर 1 से 7 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू तारीख 2 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.cdac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा। बिहार समेत देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना को लेकर काफी विरोध देखने को मिल रहा था। भले ही इस मामले में छात्रों का गुस्सा अब शांत हो गया हो, लेकिन अब राजनीतिक दल इस मामले को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज विधानसभा में ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जिसके तहत ही बिहार विधानसभा परिसर में सोमवार को विपक्ष ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। भाकपा माले और राजद विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी थी। इस बीच मार्शल ने विधायकों के हाथ से पोस्टर छीन लिया। वहीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में सदन के अंदर विपक्ष हंगामा करने लगे। होमगार्ड जवानों ने विधानसभा अध्यक्ष के घर का किया घेराव। आज सुबह सुबह ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र बिहार के सदस्यों ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के आवास का घेराव किया। इन लोगों की मांग है कि इन्हें मानदेय दिया जाए और स्थायीकरण किया जाए। विरोध प्रदर्शन करने उतरे अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को जब भी जरूरत होती है इन लोगों को कम दाम पर लगा दिया जाता है। ये लोग लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, स्कूल के प्रहरी जैसे तमाम सरकारी कार्यों में अपना योगदान देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। उन्हें काम के बदले मानदेय नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से उन्हें सिर्फ लाठी, टॉर्च और वर्दी दिया गया है। इसके अलावा उन्हें कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है। अग्निपथ स्कीम को लेकर राबड़ी देवी ने पीएम मोदी से की अलग मांग। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी कि सोमवार को सेना बहाली में अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी विधायकों ने खूब हंगामा किया। वहीं इसी बीच इस मामले को लेकर लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि अग्निपथ योजना देश के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से भी खास अपील कर दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं पीएम मोदी इस स्कीम को अब वापस नहीं लेने वाले। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान जिन भी छात्रों पर मुकदमा किया गया है कम से कम उसे अब वापस लेने की जरूरत है। ये स्कीम देश के लिए ही ठीक नहीं है। सीएम नीतीश को लेकर RCP सिंह ने दिया बयान। बिहार में इन दिनों RCP सिंह और जदयू के बीच में रस्साकस्सी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच इन दोनों की तरफ से लगातार की जा रही बयानबाजी ने भी दोनों के बीच की खाई को और गहरा करने का काम किया है। इसी बीच अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को लेकर RCP सिंह ने एक बार फिर से अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत जब बीते दिन एक कार्यक्रम के दौरान उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आप नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, जैसे चिराग पासवान पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, ठीक वैसे ही आपको भी कहा जाता है। इस सवाल पर RCP सिंह ने कहा कि मैं किसी का हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है, सुधार लीजिए इसको। भारत जैसी टीम के सामने आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा होना पड़ेगा। सीनियर और अहम खिलाड़ियों के ना होने के बावजूद भारतीय टीम ने आयरलैंड दौरे पर पहला T20 आई मुकाबला शानदार अंदाज में जीत लिया है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने मालहिडे में बारिश से प्रभावित मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की, जबकि मेजबान टीम आयरलैंड के पास अच्छा स्कोर था। आयरलैंड के कप्तान एंड्रयू बालबिरिन ने माना है कि सीरीज को बराबर पर रखने के लिए उनको और खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। उन्होंने कहा कि भारत जैसी विपक्षी टीम के सामने आपको काफी अच्छा होना होगा, जिसके तहत ही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि हम अच्छे थे और हम बुरे थे, भारत जैसी टीम के खिलाफ आपको अच्छा होना होगा। देश भर में फिर बढ़े कोरोना के मामले।
देशभर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार देशभर में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 17,073 नए कोरोना केस दर्ज किए गए, जो रविवार की तुलना में 45.4% ज्यादा है। देश में कुल 4,34,07,046 कोरोना केस हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 4,53,940 लोगों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया जा चुका है। वहीं जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना केस मिले हैं उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। यहां पर 6,493 कोरोना केस पाए गए हैं। इसके बाद केरल में 3,378, दिल्ली में 1,891, तमिलनाडु में 1,472 और उत्तर प्रदेश में 572 कोरोना मरीज मिले हैं। नए केसों में 80.87% इन 5 राज्यों में सामने आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में 38.03% नए मरीज मिले हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है अभिमन्यु कुमार, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, मोहम्मद अबू बकर, उमेश ऋषिदेव, सिद्धार्थ कुमार, लूसी कुमारी, शंकर मुखिया, मंटू शर्मा, सोनू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में बेरोजगारी कम करने में बिहार सरकार के प्रयासों से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।